में हमने देखा तिक्सी मोनेस्ट्री को कुछ इस तरह, और उसके बाद हम निकल पड़े हिमिस मोनेस्ट्री के लिए। मोनेस्ट्री से मनाली वाली हाईवे से पहले हम पहुंचे कारू, और फिर कारू के बाद इंडस रिवर क्रॉस करने के बाद हम पहुंचे मोनेस्ट्री। और इससे पहले वाली जो मोनेस्ट्री थी वो बिल्कुल पहाड़ी की चोटी पे थी, ये वाली जो है पहाड़ी से लगी हुई है। अभी देख लीजिए मेरे ठीक पीछे पे रास्ता, अभी तक का मेरे को यहाँ आने का जो था ठीक लगा, जैसे लद्दाख बोलते हैं, बिल्कुल खतरनाक ऑफ रोडिंग बोलते हैं, ऐसा कुछ लगा नहीं मेरे को, बहुत बढ़िया रोड थी यहाँ पर। और सामने रही मेरी ये मोनेस्ट्री, तो चले चलते हैं। यहाँ आने पे हमारी जो सांस फूल रही है वो थोड़ी कम फूल रही है, कल जो दिन भर आराम किया था उसका हमको थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल रहा है यहाँ पे आके। चलते समय थोड़ी सांसों को और फेफड़ों को राहत मिल रही है अभी। चलो फिर अभी मैं अंदर पे थोड़ा दर्शन वगैरह कर लूँ, फिर उसके बाद आप लोगों को मिलता हूँ, ठीक है? चाहता हूँ मैं अभी तो म्यूज़ियम देख के आ गए। और म्यूज़ियम में एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखा था, क्या था वो? वल्चर पप, वल्चर पपी, हाँ वल्चर पपी थे, पप था कुछ ऐसी, हाँ एक ही बात होती है। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, उसके बारे में बताएंगे। हमारा ये चीज़ बताएगी, तो बताइए क्या लिखा था उसमें? उसमें लिखा हुआ था कि जो वल्चर होता है कई सालों में मतलब जब एग्स देता है तो उसमें से एक जो एग होता है, एक बच्चा जो होता है वो पप्पी की तरह साउंड करता है, मतलब उसके विंग्स नहीं होते, वो सिर्फ अपने मम्मी के साथ साथ उसके शैडो में ही घूमता रहता है। और यहाँ वालों का मानना है कि वो उनकी होलीनेस जो क्या नाम है सक्या, वो जो भी है भगवान इनके, उनका रूप होता है। हाँ कुछ मतलब डॉग के जो पपी होते हैं ना उस टाइप का साउंड करता है, तो वो एकदम पपी जैसा ही लग रहा था। हाँ देखने में भी वो पपी जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। हाँ बिल्कुल नहीं लग रहा था, मुझे भी लगा था स्टार्टिंग में वो क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग से लगा था वो म्यूजियम के अंदर पे। कैमरा वगैरह अलाउड नहीं था तो इसलिए आप लोग को दिखा नहीं पाए। और ऐसे कहते हैं कि जिसको भी वो दिखता है वो बहुत ही ज़्यादा लकी हो जाता है। हाँ ठीक, इस टाइप की स्टोरी एक उसमें भी था ना, एक हैरी पॉटर के एक उसमें था जो नया आ रहा है, एक इसमें आ रहा है जो एक ढूंढते नहीं है, छोटा सा दो जोड़ा पैदा होता है जानवर, अजीब से जादुई जानवर होता है,
जो बहुत ज़्यादा शुद्ध मानते हैं, तो उसी टाइप के कुछ कॉन्सेप्ट लगा लीजिए आप लोग। तो यहाँ पे अभी हमने म्यूज़ियम देखा और अंदर पे अभी मैं दर्शन करके बाहर आ गया हूँ, लेकिन अंदर पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है यहाँ पे, तो हेंस म्यूज़ियम में अंदर पे जो चीज़ दिखाए उसमें कुछ चीज़ मैं बताना आपको भूल गया हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे देखे अभी बहुत पुरानी पेंटिंग्स, इतने पुराने पेंटिंग्स ये लगा लो कि 18th century 19th century, इतने पुराने जो पेंटिंग है, कुछ कुछ में मतलब लगा लो 15 तक पहुँचे थे 15th century की, मतलब जो बर्तन वगैरह है कुछ इस तरीके से। और कुछ बर्तन तो मैंने देखे हुए थे जो हम भी यूज़ करते हैं, जो मतलब गाँव में हम यूज़ करते हैं उस टाइप के बर्तन भी थे, और कुछ सोने के और हथियार इस तरीके की चीज़ें ना, कुछ कुछ मतलब मैच तो करता है यार हमारी कम्युनिटी से भी। तो यार बस अभी तो फिलहाल इतना ही हेम्स में। अब हेम्स मॉन्स्टर से हम निकलते हैं बाहर की तरफ और देखते हैं क्या क्या होता है। थोड़ी भूख भी लग रही है, अभी हम कैंप दोबारा जाएंगे फिर वहाँ पे खाएंगे या कैसे करेंगे, ठीक है अभी हमने कुछ डिसाइड नहीं करा है, या हो सकता है हम नीचे भी कुछ खा लें। ओ माय गॉड, फ़ोन फूट गया, लेकिन अभी भी रील बाकी है। इनका फ़ोन अभी 2 मंजिल नीचे से गिरे हैं नीचे पे, और सब कुछ ओके परफेक्ट है, केवल स्क्रीन छोड़ के स्क्रीन क्रैक हो गई है, लेकिन फ़ोन चल रहा है ज़बरदस्त, और यहाँ रील चल रही है ज़बरदस्त वाली। तो अब पूरी की पूरी मोस्टली घूम ली है और जितने भी रील बनाने थे यहाँ पे बना लिया है सब ने, उसे चलते हैं कमरे पे और फिर वहाँ पे खाएंगे। तो खाकर हाँ 3D Dolly जो स्कूल है बगल में है वहाँ हम पहुँचेंगे उसके बाद। तो चले चलते हैं आप सीधे। तो गाइस वापस आके ना खाना ना खाकर अभी 1.5 घंटा आराम करने के बाद अब दोबारा से हम निकल रहे हैं घूमने के लिए, अब देखते कहाँ जाते हैं। तो यार अभी रास्ते में निकल ही रहे थे, रास्ते में ही जो 3D Dolly जो स्कूल थी ना बेंचों वाली, तो वहाँ पहुँच गए, सोचा एक बार यहाँ भी देख लेते हैं कैसा है। तो यहाँ से अंदर स्टार्ट होती है यहाँ से रेंचोस कैफे, कैफे लेकिन क्लोज लग रही है यहाँ पर, देखते हैं आगे और करते हैं। अंदर पे जो थी वीडियो अलाउ नहीं थी, तो बहुत सारे जगह पढ़ पढ़ के जाना पड़ता है, वो देखो सब लोग फोटो खिंचा रहे। ये भैया वही लग रहा है जहाँ से शुशु करने पे वॉल पे करंट लगाया था ना, वही वाला है ये, वॉल पे शुशु नहीं करनी है सही तरीके से लिखा है यहाँ पर, बल्ब लगा रखी है और वो कर रखा है बिल्कुल अजय की करंट सीधा। वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे, स्कूल है और अभी तो बंद लग रहा है स्कूल, ऑल इज वेल लिखा है, क्रेडिट डेट लिखा है, और क्या एक कैफ़े है पीछे के साइड पे वहाँ पे, और वो भी अभी बंद है, और बहुत सारे लोग आ रहे थे देखने के लिए और फोटो वगैरह खींच रहे हैं यहाँ पे, बस इतना सही है। All is well, बोलो चलो जोर से चलाओ, All is well, मैंने इसने कर दिया यहाँ पे कंफ्यूजन, All is well। तो बस इतना ही था, ज्यादा कुछ था नहीं यहाँ पे देखने के लिए, तो आगे चलते हैं। ठीक से मैं रेंचो के स्कूल पे काफी मस्ती करने के बाद हम निकल पड़े सटोक मॉनेस्ट्री के लिए। तो अभी हम पहुंच गए सटोक मॉनेस्ट्री के जस्ट पास पे, गाड़ियां लगानी और थोड़ा पैदल चलना है हमें, क्योंकि अभी रोड बन रही है शायद, देखिए उसे दिखा देता हूँ मैं आप लोग को। ये देखिए सामने पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो गाड़ी हमने अभी यहीं पे लगा दिया है, गाड़ी पीछे पे लगा दी है, अभी यहाँ से पैदल चलेंगे हम ऊपर की तरफ, और अब शायद चश्मा खोल सकता हूँ मैं। हाँ दिन भर इतनी गजब की धूप है यहाँ पे, इतनी तेज़ धूप है कि आँख दर्द कर रहा है, अगर चश्मा पहन कर नहीं जा रहा हूँ कहीं भी। तो आप लोग भी अगर आते हो घूमने के लिए तो चश्मा जरूर लाइए भैया,
बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जाके कुछ देख पा रहे, कितना बढ़िया बना रखा है काया कैफे, लिखा कितना बढ़िया तरीके से, सब चीज में क्रिएटिविटी झलक रही है, लकड़ी से बना रखा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम पहुंचने वाले हैं सुतोक मोस्टी के पास पे, थोड़ी सी चढ़ाई और फिर बस पहुंच ही गए। इसके बाद हम शायद सीधे लेह मार्केट जाएंगे। हाँ, से पहले जाने वाले थे लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि हम वहाँ जा पाएंगे। तो यहाँ पहले थोड़ा चढ़ लेता हूँ, उसके बाद बात करता हूँ। ओह, चढ़ाई खत्म हुई, सामने लीजिए कितना बड़ा व्यू है, बुद्ध जी की मूर्ति है और वहाँ पे हमें पहुँचना है अभी, तो चलिए फटाफट से चलते हैं वहाँ पे। यहाँ पे जो ऊपर वाली पहाड़ी है ना, बिल्कुल खाली खाली सी मंजर, वो बिल्कुल जो लिपू लेक है ना, लिपू लेक वाली फील दे रही है। देख लीजिए, लिपू लेक में भी कुछ इसी तरह का है, लेकिन यहाँ पे पेड़ हो गए भाई, वहाँ पे ऐसा कुछ नज़ारा नहीं है कि आपको पेड़ दिखाई दे, बस खाली बंजर पहाड़ दिखाई देंगे आपको, जैसे सेम यहाँ पे है अभी। लिपू लेक मतलब उत्तराखंड में बॉर्डर इलाका अपना, जहाँ से तिब्बत हम जाते हैं। चलो मैं यहाँ बैठ जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि दिक्कत ये है कि मैं तो थोड़ा बहुत चल ले रहा हूँ, मुझे उतनी दिक्कत नहीं हो रही है सांस लेने में, जो पीछे मेरे आ रहे हैं उनको दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कम है और काफ़ी सारे लोग बता रहे थे कि वो एक या दो दिन में वापस चले जाते हैं, तो कम से कम एक दिन तो आपको रेस्ट करना ही है यहाँ पे जब भी आते हो। वैसे हमें 3 दिन के लिए बोल रखा है, 3 दिन रुकने के लिए, लेकिन हम एक दिन में ही निकल आए, क्योंकि थोड़ी बहुत जो ऑक्सीजन कम में भी सर्वाइव करने वाली जो हमारी क्षमता है थोड़ी ठीक है, क्योंकि पहाड़ी खून है भाई, इतना तो झेल ही सकते हम। तो आज हमने स्टार्ट कर लिया छोटी मोटी ट्रैक, ये कोई ट्रैक तो था नहीं, थोड़े से ऊपर आए, अब दारचूला के हिसाब से पूछे तो दारचूला से ग्वालगांव आए हम बस। हाँ, ग्वालगांव के बराबर भी नहीं है ना दारचूला से, इतनी चढ़ाई होगी उससे भी कम है। हाँ, लेकिन थक क्यों गए आप ये बताओ, तबीयत खराब हो रही है आपकी, आप मछली थोड़ी ना होती। काफ़ी तेज हवा चल रही है यहाँ पे, पहुँच गए हम और कैफे बंद है, कैफे बंद है, हाँ कैफे बंद है। और सतोक जो है, सतोक कांगड़ी बोला था, सतोक कांगड़ी बोला था, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, वो जो सामने वाला पहाड़ है उस पहाड़ी के नाम पे ही रहता है, यहाँ का नाम सतोक। तो अब यहाँ के आप यू इंजॉय कीजिए, ठीक है, मैं मिलता हूँ आपको उसके बाद। दिन भर मतलब इतनी चौधिया गई आँख, धूप इतनी तेज थी कि अभी आई ड्रॉप डालने के बाद थोड़ी बहुत राहत मिली है, और अभी हम पहुंच गए लेह के मेन मार्केट में, और लेह के मेन मार्केट में आपका स्वागत है। यहाँ पे अभी थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेते हैं, लेह आए हैं तो लेह के मतलब कुछ यादगार फ्रिज मैगनेट्स हैं वो लेंगे। लद्दाख ट्रिप जो है हमने कर रखी है,
मज़े भी आ गया हो गया था स्टीकर के साथ जो बाउल थी बाउल भी ले लिया मैंने और मेडिटेशन करें घर जा गया उसको सामान तो बहुत सारे लेकिन सामान यार कैरी करने में बहुत दिक्कत होती है ना इसलिए मैं ले जा रहा ठीक है तो आगे चलते हैं पहुँच गए हैं ले मार्केट में और ले मार्केट में खा रहे हैं तो अभी मार्केट से आ गए हमारे शॉपिंग सारी की सारी हमने कम्प्लीट कर ली है खाने की शुरुआत मोमो से सेकेंड राउंड आ गया है सेकेंड राउंड में हम थुक्पा खाएंगे ये राउंड थ्री है हमारा अभी ये खाएंगे तो दोस्तों ले मार्केट से अभी हम कमरे पे आ चुके हैं और अब हम आराम करते हैं और इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ मिलता हूँ आपको कल सुबह मॉर्निंग पे